धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सुबह भर में क्रैकडाउन जारी है। 31,000 गाड़ियों के चालान, 5 करोड़ के जुर्माने, ड्राइवर जेलों में डाल दिए गए हैं। जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जैन बताइए इस हवाले से। ये इंसदादे स्मोग और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ तो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ताहम इस दौरान 31,000 गाड़ियों के चालान, 5 करोड़ के जुर्माने और ड्राइवर को जेलों में भी बंद कर दिया गया। स्मोक तदारुक मुहिम के तहत अब तक 31,454 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि स्मोक तदारुक मुहिम में 5,40,00,000 से ज्यादा जो जुर्माने हैं वो भी किए गए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जवेद काजी के मुताबिक 7,413 गाड़ियों को थानों में बंद करवाया गया, जबकि खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने पर मुकदमा दर्ज और ड्राइवर्स को गिरफ्तार भी करवाया गया। इसके साथ साथ बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और खस्ता हाल। बहुत शुक्रिया जैन।